गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा आज का न्यूमेरिकल है इन रूबी लेज़र टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री आयन इज़ टू पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर नाइन्टीन सो दिस इज़ द नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री आयन ओके सो वन इंफॉर्मेशन इज़ गिविन हेयर नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री आयन एंड ही इज़ आस्किंग इफ़ लेज़र एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ सेवन थाउजेंड ये इसकी वेवलेंथ की गिवेन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लेज़र पल्स तो वो लेज़र पल्स की एनर्जी फाइंड आउट करवाना चाह रहा है तो ये कैसे करेंगे सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है तो ये नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री आन तो इट मीन्स एन इक्वस टू टू पॉइंट एट इन टू टेन टू दावर नाइनटीन ये नंबर है ओके वेवलेंथ इज गिवन सेवन थाउजेंड एंगस्ट्रॉम इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये सेवन थाउजेंड इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मीटर ये हमें वेवलेंथ की वे है फाइंड आउट क्या करवा रहा है ईक्व टू दिस वन तो इसमें हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे इसमें हम वो रिलेशन यूज़ करेंगे हम कह सकते हैं संसार का सबसे आसान रिलेशन तो संसार का सबसे आसान रिलेशन जो है वो मैक्स प्लांक ने दिया था और जिसे हम कहते हैं ई इक्वस टू एनर्जी जो कि क्वांटा की एनर्जी बताता है ई इक्वस टू एच न्यू वे आर एच इज़ ए प्लांक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन तो ये एक फोटोन के लिए अगर सिंगल फोटोन है तो एच न्यू और अगर कई सारे फोटोन है तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ई इक्वस टू एन एच यू एन इज़ द नंबर ऑफ फोटोन एच अगेन प्लान कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन तो ये हमें पता है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्वेंसी के टर्म में फार्मूला है और गिवन हमें क्या है एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तो अब हम क्या करेंगे लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है हमारे पास एक और रिलेशन है चलिए वो रिलेशन क्या है उसे देखते हैं तो पहले हम ये रिलेशन लिख लेते हैं ईक्वस टू एन एच न्यू और जो नया रिलेशन है वो है सी इक्वस टू न्यू लेमडा ये आपने वेब में भी पढ़ा होगा और क्वांटम मकैनिक्स में भी यूज़ होता है तो न्यू इक्व टू क्या हो जाएगा यहाँ से न्यू इक्वस टू हो जाएगा सी अपॉन लेमडा तो सी अपॉन लेमडा यहाँ पर हम सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन एच सी अपॉन लेमडा अब देखो हमें एन भी पता है एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है या आप तो ये तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा नहीं भी दिया है तो आप इसे याद कर लीजिएगा ये बहुत जगह यूज होता है सी स्पीड ऑफ लाइट एंड लैमडा गिवन इन द न्यूमेरिकल चलिए इन सबकी वैल्यू लिख देते हैं तो एन की वैल्यू है टू पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर नाइनटीन प्लांग कॉन्स्टेंट की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी फोर इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड यूनिट याद कर लेना कई बार दो नंबर में पूछी जाती है कंपटीशन एग्ज़ाम में और सी की वैल्यू है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड ये तो आप ट्वेल्थ क्लास में ही याद कर लेते हैं और आपको जीवन भर याद रहती है लेमडा की वैल्यू क्या है सेवन थाउजेंड इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर अब चलिए इन सब की वैल्यू को हम अपने जादुई कैलकुलेटर में सब्सट्यूट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं टू पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पावर नाइनटीन फिर है मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन टू द पावर एट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमने इसे इक्वल टू दबा दिया हमें इसकी वैल्यू मिल गई तो ये वैल्यू हमें मिली है फाइव पॉइंट फाइव सिक्स फाइव टेन टू दावर माइनस सिक्स ओके अब हम क्या करेंगे इसको हमें डिवाइड करना है इससे तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ अब कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर का एक ऑप्शन होता है ये है ना तो जैसे ही मैं आंसर का ऑप्शन दबाऊँगा तो ये आंसर जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा मतलब हमारी रीडिंग में देखिए मैं ये वाले बटन को अब मैं दबाऊँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच गई है ओके अब इसे मुझे डिवाइड करना है तो मैं अब डिवाइड का साइन लगा दूँगा और ब्रैकेट लगाया ब्रैकेट और मैं ये वैल्यू वैल्यू को सब्सटूट कर दूँगा तो क्या है सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टेन टू दावर माइनस टेन और ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू सेवन पॉइंट नाइन फाइव तो हमारा आंसर जो है वो क्या है सेवन पॉइंट नाइन फाइव सेवन पॉइंट नाइन फाइव यह आंसर किस में होगा यह आंसर होगा एनर्जी अगर आपने ये मीटर में यूज किया है ये मीटर पर सेकंड में यह जूल सेकंड में और ये तो नंबर है तो ये सब वैल्यूज जो है वो किस में आएगी जूल में तो ये आपका आंसर हो जाएगा थैंक यू